दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की शानदार जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स को हुआ पॉइंट में बड़ा फायदा। जी हां दोस्तों, बदल गया टाटा आईपीएल 2023 का पूरा पॉइंट बताएंगे हमारे इस वीडियो में, तो बने रहें वीडियो के एंड तक। दोस्तों टाटा आईपीएल 2023 का 34वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बैटिंग करना चुना। बैटिंग करने आई दिल्ली कैपिटल्स की ओर से मनीष पांडे ने 34 रन बनाए, वहीं अक्षर पटेल ने भी 34 रन बनाए और मिचेल मार्श ने भी 25 रन की पारी खेली। इसके चलते वॉशिंगटन सुंदर ने अपने 4 ओवरों में 3 विकेट लिए और भुवनेश्वर कुमार ने भी 2 विकेट लिए। इसके चलते दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर 144 रन ही बना पाई। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से मयंक अग्रवाल ने 49 रन बनाए और हेनरी क्लासन ने भी 31 रन की पारी खेली, वहीं वॉशिंगटन सुंदर 24 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके चलते अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए और हेनरिक नौकिया ने भी 2 विकेट लिए। सनराइजर्स हैदराबाद इस मुकाबले को 7 रन से हार गई। आइए दोस्तों जानते हैं दिल्ली कैपिटल्स की शानदार जीत के बाद क्या है आईपीएल 2023 का पूरा पॉजिटिव। वहीं पहले नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने 7 मुकाबले खेलकर 5 में जीत हासिल की और 2 में हार के साथ 10 पॉइंट अर्जित किया। वहीं दूसरे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 7 मुकाबले खेलकर 4 में जीत हासिल की और 3 में हार के साथ 8 पॉइंट अर्जित किए। वहीं तीसरे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 7 मुकाबले खेलकर 4 में जीत हासिल की और 3 में हार के साथ 8 पॉइंट अर्जित किए। वहीं चौथे नंबर पर गुजरात टाइटंस की टीम ने 6 मुकाबले खेलकर 4 में जीत हासिल की और 2 में हार के साथ 8 पॉइंट अर्जित किए। वहीं पांचवें नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 7 मुकाबले खेलकर 4 में जीत हासिल की और 3 में हार के साथ 8 पॉइंट अर्जित किए। छठवें नंबर पर पंजाब सुपर किंग्स टीम ने 7 मुकाबले खेलकर 4 में जीत हासिल की और 3 में हार के साथ 8 पॉइंट अर्जित किए। सातवें नंबर पर मुंबई इंडियंस की टीम ने 6 मुकाबले खेलकर 3 में जीत हासिल की और 3 में हार के साथ 6 पॉइंट अर्जित किए। आठवें नंबर पर केकेआर टीम ने 7 मुकाबले खेलकर 2 में जीत हासिल की और 5 में हार के साथ 4 पॉइंट अर्जित किए। वहीं नौवें नंबर पर एसआरएच की टीम ने 7 मुकाबले खेलकर 2 में जीत हासिल की और 5 में हार के साथ 4 पॉइंट अर्जित किए। दसवें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 7 मुकाबले खेलकर 2 में जीत हासिल की और 5 में हार के साथ 4 पॉइंट अर्जित किए। दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें।